महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच विवाद लंबे वक्त से जारी है। दोनों दलों के नेता ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं जिससे विवाद की खाई गहरी हो जाती है और अब एक बार फिर तकरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी ने यूपीए की कमान सोनिया गांधी से छीनकर शरद पवार को सौंपने की मांग कर दी है। एनसीपी की नजर 2024 पर है, जहां वो नरेंद्र मोदी को हटाकर शरद पवार को पीएम बनाना चाहती है। लेकिन एनसीपी की इस मांग का असर कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों और गठबंधन पर भी पड़ सकता है। राजनीति में जब नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगती है, तब गठबंधन दलों के बीच दरार भी बढ़ने लगती है। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच तकरार दिखाई दे रही है। इसकी वजह वो पद बन रहा है जिस पर लंबे वक्त से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काबिज हैं, यानी यूपीए की कमान को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच घमासान छिड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले भी शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी एनसीपी नेताओं के जरिए की जा चुकी है, लेकिन पहली बार पार्टी से जुड़ी किसी बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित किया गया है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में शरद पवार जैसे नेता की जरूरत है जो देश में भाईचारे को फिर से स्थापित कर सके। शरद पवार ऐसी शख्सियत हैं जिनका तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस के साथ भी संबंध है, वो सबसे तालमेल बिठा सके। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपने अंदरूनी विवादों के कारण कांग्रेस यूपीए का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। 2024 के लिए समय निकला जा रहा है, इसलिए कांग्रेस को यूपीए की कमान शरद पवार जैसे अनुभवी हाथों में सौंप देनी चाहिए। एनसीपी नेताओं की इस मांग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसका सीधा कनेक्शन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2024 में देश नए निजाम का चुनाव करेगा, ऐसे में शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक खुद को बड़ा नेता साबित करने की जुगत में लगे हैं। शरद पवार को यूपीए का चेहरा बनाने की मांग भी उठती रहती है। कुछ वक्त पहले शिवसेना ने उनके नेतृत्व की पैरवी भी की थी, हालांकि खुद पवार अब तक ऐसी बात से इनकार करते रहे हैं। अब भले ही पवार पावर लेने से पीछे हट रहे हों, लेकिन अंदर खाने की पॉलिटिक्स इच्छाओं को साफ जाहिर करती है। ऐसे में देखना होगा कि एनसीपी की मांग पर कांग्रेस क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।